एक शॉर्ट्स में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था जो मैकेनिक्स का क्वेश्चन है, ईरडो से है, परंतु उसका सॉल्यूशन मैंने आपसे बोला था कि हम लाइट के कंसेप्ट से निकालेंगे। क्वेश्चन ये कि एक कार रोड पर जब चलती है तो उसकी वेलोसिटी वी है, और जब सेंड पर आती है, इधर मिट्टी है तो सेंड पर आती है तो उसकी वेलोसिटी वी बाई एन हो जाती है, और उसको बी पर पहुंचना है। तो एक कार ए से शुरू हो रही है और उसको बी तक पहुंचना है, बी की रोड से जो डिस्टेंस है वो एल दी हुई है, तो आपको ये बताना है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ मतलब एक्स की वैल्यू बताइए ताकि कार ए से बी तक मिनिमम टाइम में पहुंच जाए। ये क्वेश्चन था कि ए से बी तक मिनिमम टाइम पहुंचने के लिए एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, यानी रोड पर उसको कहां पे टर्न ले लेना चाहिए। ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था, इरडो का क्वेश्चन है, और मैकेनिक्स में अगर आप इसको करोगे तो मैक्सिमम मिनिमा लगाना और लंबा चौड़ा क्वेश्चन बन जाता है जिसमें मैक्सिमम मिनिमा के कंसेप्ट लगाने पड़ते हैं, परंतु हम इसको करेंगे ट्रिक से, एक कॉन्सेप्ट है लाइट में, उस कंसेप्ट को यूज करके। लाइट में एक रूल है कि लाइट जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रेवल करती है तो हमेशा उस रास्ते को अपनाती है, उस रूट को लेती है जिस पर टाइम मिनिमम लगता हो। दैट्स अ रूल। लाइट ऑलवेज व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इट टेक्स द पाथ इन विच इट टेक्स मिनिमम टाइम। तो हम इसको ये भी मान सकते हैं कि ये एक लाइट की रे है जो सीधे जा रही है फिर बाद में इधर आ रही है, तो ऐसे बी तक वही रास्ता कार लेगी जो लाइट को लेना होता। अगर लाइट होती तो कौन सा रास्ता लेती, वही रास्ता कार लेगी, क्योंकि लाइट को मिनिमम टाइम में बी पर पहुंचना है और कार को भी मिनिमम टाइम पर बी पर पहुंचना है। तो कंसेप्ट ये सिंपल सा कि लाइट टेक्स द पाथ इन विच इट टेक्स मिनिमम टाइम, ऑलराइट। और हमारा क्वेश्चन भी यही है, तो हम यहां समझें कि ये एक मीडियम है जिस पर वी वेलोसिटी से कार चल रही है, ये दूसरा मीडियम है जिस पर वी बाय एन से चल रही है। तो ये क्वेश्चन एक तरह से रिफ्रेक्शन का हो गया, और रिफ्रेक्शन में कौन सा रूल लगता है, स्नेल्स रूल। स्नेल्स रूल क्या कहता है, स्नेल्स रूल कहता है साइन आई, आई एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, साइन आई अपॉन वेलोसिटी इन मीडियम ऑफ आई, दैट इज मीडियम ऑफ इंसिडेंस। तो साइन आई अपॉन वी वन इज इक्वल टू साइन आर अपॉन वी टू। आर क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन, और वी टू क्या है, रिफ्रेक्टिंग मीडियम में लाइट का वेलोसिटी। तो यहां पर हमारे केस में अगर मैं इस कार को लाइट की तरह मान लूं तो साइन आई क्या होगा, ये एक तरह से ग्रेजिंग इंसिडेंस हुआ। ग्रेजिंग इंसिडेंस क्या होता है कि एक मीडियम है और अगर लाइट बिल्कुल सीधे ही आती है तो इसको बोलते हैं हम क्या, ग्रेजिंग इंसिडेंस। तो ग्रेजिंग इंसिडेंस में एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होता है, 90 डिग्री। आप एंगल ऑफ इंसिडेंस देखेंगे तो ये 90 डिग्री, तो साइन आई, तो आई तो हमारे पास हो गया 90 डिग्री, तो साइन आई की जगह साइन 90, और वेलोसिटी मीडियम होगी वी, तो यहाँ पे हम लिख देंगे वी, ऑलराइट। और साइन आर, तो ये जब लाइट इधर ट्रेवल करी यहाँ मुड़कर तो ये एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन हुआ थीटा, तो साइन थीटा, और वेलोसिटी कितनी होगी, वी बाई एन, तो वी बाई एन। इसको देखेंगे साइन 90 की वैल्यू तो 1 होती है, तो सोल्व करेंगे तो साइन थीटा हो जाएगा हमारे पास 1 बाई एन। अब यहाँ पर आते हैं, ये बोला हुआ था क्वेश्चन में कि जो पॉइंट बी है वो सड़क से एल डिस्टेंस पर है, ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा क्योंकि अपोजिट एंगल्स हैं, और अगर ये एल दिया हुआ है, ये डिस्टेंस हमने एक्स निकालना है, ये तो हमें पता करना ही है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, हम राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर रूट। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर रूट, एंड दैट इज इक्वल टू 1 बाई एन। और अगर इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे, एन को इधर ले आइए स्क्वायर कर लीजिए सोल्व करेंगे, तो आंसर आ जाएगा एल अपॉन अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस 1। बिना कोई मैक्सिमम मिनिमा के कंसेप्ट को लगाए हुए, बिना डिफ्रेंशिएशन या कैलकुलस को यूज करें, सिर्फ एक फिजिक्स के फंडामेंटल को यूज करके इस क्वेश्चन को हमने सोल्व कर लिया। आपको समझाने में मुझे समय लगा, अगर ये कंसेप्ट आपको क्लियर होता तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने में 2 से ज़्यादा मिनट नहीं लगता है। और जब आपको इस तरह के कंसेप्ट आते हैं तो फिर आप जेई में या नीट में रैंकर बनते हैं। रैंकर से मतलब है कि टॉप 100 टॉप 50 में रैंक लेकर आते हैं। इस तरह के ट्रिक्स और कंसेप्ट समझने के लिए मेरे चैनल को फॉलो करते रहिए। आपको मैं लेकर आऊँगा इस तरह के और भी क्वेश्चन लगातार। आपकी तैयारी चलती रहे, धुआंधार। थैंक यू वेरी मच।